Hello everyone, this is Alicia and I am your coding instructor. So in today's class, we'll be learning about the basics of web. Okay, so this is chapter number one of our web development course. अभी हम वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट या हम वेब की बात करते हैं. सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, दैट इज व्हाट? दैट इज इंटरनेट, राइट? हम इंटरनेट, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट? तो इंटरनेट एक्चुअली है क्या? लेट्स सी. बेसिकली लाइक वी आर हैविंग वेरियस डिवाइसेस, राइट? लाइक हमारे पास लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, ठीक है? और इट्स नॉट जस्ट अस, बहुत सारे लोग, लाइक बहुत ऑलमोस्ट एवरीबडी नाउ, ठीक है, सबके पास ऑल ओवर द ग्लोब सबके पास ऐसी डिवाइसेस होती है. दे आर हैविंग लैपटॉप्स, पीसीज, स्मार्ट डिवाइसेस, टैबलेट्स, फोन्स एटसेट्रा, राइट? तो सबके पास ऐसी डिवाइसेस होती है. अब ये डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे इन डिवाइसेस की वजह से लोग आपस में कनेक्टेड, ये पॉसिबल है इंटरनेट की मदद से. इंटरनेट बेसिकली छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करता है और एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क फ्रेम करता है, ठीक है? तो इंटरनेट बेसिकली क्या है? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. ओके, जितने भी डिवाइसेस हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ नेटवर्क. वो छोटे छोटे नेटवर्क्स का पार्ट है एंड इंटरनेट इज फॉर्मिंग अ बिग नेटवर्क, राइट? सो इंटरनेट की मदद से भी ऑलरेडी नो द एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की मदद से हम ईमेल सेंड कर सकते हैं, वी आर एबल टू चैट विद पीपल एंड वी डू मेनी मोर स्टफ, ओके, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंटरनेट, राइट? बट एक बहुत मेजर एप्लीकेशन जो इंटरनेट का है वो क्या है? वो है हमारा गूगल, राइट? जब भी हमें कुछ भी सर्च करना होता है, कुछ पूछना होता है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो आती है गूगल. हम हर चीज गूगल करते हैं, राइट? तो गूगल एग्जैक्टली है क्या? लेट्स सी दिस. So basically, जब भी आप कुछ भी गूगल करते हैं तो आपके सामने कुछ पेजेस अपीयर होते हैं, राइट? कुछ लिंक्स, कुछ चीजें अपीयर होती हैं. तो वो क्या होती है? बेसिकली उन फाइल्स को, उन चीजों को हम वेब पेज बोलते हैं, ठीक है? इट्स बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ लाइक वेब पेजेस. आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, कि कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, एक पर्टिकुलर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ इमेजेस होते हैं उसमें, कुछ लाइक कुछ भी कॉन्टेंट एडेड होता है. तो बेसिकली दैट फॉर्म्स अ वेब पेज, राइट? और वेब पेजेस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज वेबसाइट. तो जब भी हम गूगल से कुछ पूछते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर सर्च, हमारी सर्च के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट डेटा है, गूगल हमें वो चीज डिस्प्ले करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस वर्ल्ड वाइड वेब. तो वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कि जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, राइट, तो गूगल हमें कैसे हर चीज का आंसर देता है, मतलब गूगल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से है? तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट आता है. वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली स्टैंड्स फॉर www, ओके? www इज बेसिकली द शॉर्ट नोटेशन फॉर दिस वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? और जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है? और ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से होती है? जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम ही लोगों ने उस पर शेयर की है, मतलब लाइक हमसे मतलब है जितने भी लोग उस नेटवर्क पे हैं, जितने भी लोग इंटरनेट पे हैं, जितने भी लोग उस नेटवर्क पे हैं, उन्होंने अपने कंप्यूटर से, अपनी जगह से उन रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर नेटवर्क में डाला है, ठीक है? और वो कहाँ पर है? वर्ल्ड वाइड वेब पे. अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? बेसिकली बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और लोग अपना कॉन्टेंट इस वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर करते हैं, ठीक है? अब गूगल पे जब हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल किसके पास जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब के पास जाता है, ठीक है, चीजें एक्सेस करने के लिए. See how exactly this world wide web works. Okay. तो जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर आके themes करके सर्च कर रखा है, तो इस तरीके का पेज हमारे सामने अपीयर हो, ठीक है? ये जो ब्लू में लिखा हुआ एक है, जो चीज ब्लू में लिखी हुई है, ये बेसिकली क्या है? टाइटल ऑफ द वेब पेज, ठीक है? The one written in green, it's basically a URL. URL basically stands for Uniform Resource Locator. Okay. अब ये Uniform Resource Locator क्या होता है? तो जब भी हम कुछ Google पे सर्च करते हैं, ठीक है? Google किसके पास जाएगा? World Wide Web के पास जाएगा और बोलेगा उससे कि जो ये सर्च है इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी कॉन्टेंट हो मुझे दे दो. वर्ल्ड वाइड वेब पे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, इतना सारा कॉन्टेंट है, वो कैसे ढूंढेगी चीजों को? वो ढूंढेगी URL की मदद से, ठीक है?
URL basically एक kind of मतलब एक लिंक है या चीजें हैं जो कि क्या होती है, हर एक वेब पेज से लिंक होती है, हर एक वेब पेज का एक URL होता है, ठीक है। तो वो वेब पेज, हर एक वेब पेज से लिंक एक URL, और उस URL की मदद से हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपनी सर्च के अकॉर्डिंग कंटेंट कंटेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर जब वेब वर्ल्ड वाइड वेब में चीजों को आइडेंटिफाई कर ली और सोच लिया कि हाँ दिस इज समथिंग जो कि लाइक गूगल की सर्च के अकॉर्डिंग इट्स रेलिवेंट, ठीक है, तो फिर वो चीज वो देता है किसे, गूगल को पास ऑन करता है और बोलता है कि नाउ दिस इज समथिंग दैट यू कैन शो टू द यूजर, जो यूजर है या जो भी आप जिसने भी आपको क्वेश्चन किया आप उसको ये चीज शो कर सकते हो। तो फिर उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज अपीयर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेब पेज का टाइटल है, ग्रीन में जो लिखा है वो वेब पेज का URL है। अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो वही का ही वही है कि एग्जैक्टली गूगल है क्या, राइट। तो गूगल बेसिकली एक वेबसाइट ही, वेबसाइट इज व्हाट, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ओके। तो गूगल एक वेबसाइट ही है, एक ऐसी स्पेशल वेबसाइट है जो कि दूसरी वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। गूगल इज अ वेबसाइट व्हिच हेल्प्स टू सर्च अदर वेबसाइट्स। अब जो कि लाइक इट इज हेल्पिंग अस टू सर्च अदर वेबसाइट्स, ये दूसरी वेबसाइट्स को सर्च करने में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। As this Google is helping us to search other websites, we call it as search engine. Okay. There are many other search engines besides this Google as well. Okay, Google बहुत ही popular है, इसलिए हम Google को जानते हैं। बहुत सारे दूसरे भी search engines हैं, सिर्फ Google ही अकेला search engine नहीं है। Yahoo, Bing, DuckDuckGo, Baidu, Yandex, Ask.com. So these are certain other search engines. Okay. Let's see what is a browser. A browser क्या है, right? तो browser भी क्या करता है? Browser भी हमें websites को view करने में help करता है, web को surf करने में, like हम net surfing करते हैं, हम चीजें search करते हैं, तो same काम browser का भी होता है, browser की मदद से भी कर सकते हैं। अब difference क्या है Google में और browser में? Google एक search engine है, ये एक website है, ठीक है, गूगल एक वेबसाइट है, whereas browser जो है ये सॉफ्टवेयर है, it's basically a software that is used for viewing other websites. So I hope you now you got the difference between the browser and a search engine. Browser क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, whereas search engine क्या है, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, there's a great difference between a software and a website. So these are certain other examples of the browsers like Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. ये और भी examples हैं. Like you can see this Opera Mini is given. So ये भी एक browser है. ये Firefox. So these are certain other like web browsers. Okay, other than Google, Chrome. So Chrome बहुत ही popular है. Just like Google, Google का जो Chrome है, वो बहुत ही popular browser है, web browser है. तो वेब ब्राउजर की मदद से हम चीजों को सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, और बेसिकली ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सो लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।